नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में चल रहा है कि हमारी क्लासेज अगर 1 नवंबर से स्टार्ट है, जिनका एडमिशन हो चुका है, वो तो कहाँ आगे रहें, क्योंकि उनकी क्लासेज स्टार्ट है, अभी छात्रावास आपको आवंटित नहीं हुआ है। पहली बात तो अपने दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए कि सारे छात्रों को छात्रावास यहाँ नहीं मिलेगा। पीजी के कोर्स को, यूजी के कोर्स को बहुत कम संख्या है छात्रावास में। उसमें जो है, जो टॉपर्स होंगे अपने सब्जेक्ट के, बस वही छात्रावास की उम्मीद करें, यानी जिनका एडमिशन पहली कट ऑफ में हुआ है, वही छात्रावास की उम्मीद अपने अंदर पाले रखें। इसके बाद सूचना यह है कि 1 नवंबर से अगर आपका सत्र स्टार्ट है, जो कि पीजी वाले हैं, जिनका एडमिशन विश्वविद्यालय ने करवा लिया है, सीबीटी वाले नहीं, ये आके अब इलाहाबाद शिफ्ट हो जाएं। आप अपना कमरा वमरा देख लीजिए, जो लड़कियाँ हैं वो आके हॉस्टल्स, पीजी रूम अपना देख लें और आके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। जो भी लड़के हैं, जो कि बाहर से जो लोग हैं, बहुत सारे यहीं के करंट के छात्र पीजी में एडमिशन लिए हैं, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज के छात्र छात्राएं हैं, आईपीएस के, जो भी यम वॉक, बी वॉक और इसके साथ साथ फैशन डिजाइनिंग, जो भी कोर्स का जिनका एडमिशन हो चुका है, वो अब आके प्रयागराज शिफ्ट हो जाइए। छात्रावास का बहुत वेट मत करिए। जो छात्रावास का प्रोसेस होता है, इसका अपना एक अलग प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस अभी स्टार्ट होने वाला नहीं है, इसमें कम से कम 20 से 25 दिन का समय यहाँ से लगेगा, और उसके बाद भी कई राउंड की कट ऑफ आएगी। पर ये फिक्स भी नहीं है कि आपको छात्रावास मिले कि ना मिले। तो इस वजह से ज़रूरी ये है कि आपकी क्लासेज मिस ना हो, और छात्रावास आपको मिले कि नहीं मिले कन्फर्म भी तो नहीं है। पीजी में बहुत वैरायटी रहती है, बहुत टॉपर को भी छात्रावास नहीं मिलता है, तो उसका एक अलग क्राइटेरिया है, वो विश्वविद्यालय अपना प्रोसेस करेगा। 20 से 25 नवंबर के बाद छात्रावास का प्रोसेस पीजी के लिए स्टार्ट होगा, और जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए। इसके पहले आपको आके शिफ्ट तो होना ही है यहाँ पर। आप आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, कमरा वमरा लेकर अपनी क्लासेस करना स्टार्ट करिए। छात्रावास के भरोसे ना बैठे रहिए, वरना नुकसान आपका होना तय है। और अभी आके कमरा वमरा ले लेंगे तो बाद में आपको समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी, वरना बाद में जब सीयूटी वालों की एकाएक भीड़ आएगी, तब फिर कमरा लेने भी प्रॉब्लम होगी। जो भी लड़कियाँ हैं, वो थोड़ा सा लोकेशन को देख कर भी अपने आप को एडजस्ट करें, और जो भी लड़के हैं वो भी आके जल्दी से जल्दी यहाँ पर हॉस्टल्स लें, रूम लें, पीजी लें, और अपनी क्लासेज को रेगुलर परमानेंट करना अटेंड करें। छात्रावास के भरोसे न बैठे रहिए, ये सूचना है, ये ऑफिशियल सूचना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।